नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी शाम का टाइम है, 7 बज गए हैं। तो पूजा मेरी हो गई है। पूजा आज मैंने जल्दी कर ली थी क्योंकि मैंने आज माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की है, तो वो जल्दी हो जाती है। 4 बजे के बाद करती हूँ मैं, तो 5 बजे से आज मैंने की थी, तो आज जल्दी पूजा हो गई। और पूजा से याद आया, कल मैंने वीडियो डाला था, उस पर एक कमेंट आया था, तो बोल रहे थे कि आपका जो मंदिर है उसकी पूजा का वीडियो शेयर करना। तो वैसे तो हम सिंपल तरीके से ही पूजा करते हैं, सुबह के टाइम तो ये है, टाइम कम होता है, काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं दिया बत्ती करने के बाद। शाम को थोड़ा सा टाइम रहता है तो शाम को आरती वगैरह कर लेते हैं, पूजा, और जो पुस्तक रखी है पूजा पाठ की, आरती वगैरह, कहानी माता रानी की, तो वो सब कर लेते हैं शाम के टाइम। और जो मैं माता रानी की पूजा की है, जैसे आज की है मैंने माता रानी वैभव लक्ष्मी की, आज है शुक्रवार, तो आज के दिन करती हूँ मैं शुक्रवार के दिन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है मैं आपके साथ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत मतलब पूजा पाठ, व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ, पूजा कर लेती हूँ माता रानी का नाम लेकर। तो हो सकता है मैं माँ वैभव लक्ष्मी जो पूजा करती हूँ मैं, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो गया है, वैसे तो अभी खाना बनाना है, और जो है कपड़े धोए थे मैंने सुबह, तो वो सूख गए हैं सारे। आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कपड़े सूख गए हैं, अभी मैं उनको उतारूँगी, और जो फोल्ड करने के हैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस करने के हैं उनको अलग करके रख दूँगी। अभी तो टाइम नहीं है प्रेस करने का, मैं प्रेस सुबह के टाइम करूँगी। और कल बच्चों का है PTM, तो बच्चों का भी हो सकता है, स्कूल तो नहीं जाना है, ये जाएंगे स्कूल, तो बच्चों की कल और परसों हो जाएगा संडे, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती में है कि कल हमारी छुट्टी है और पापा को जाना है स्कूल। तो अभी हर्ष और नमन गए हैं पार्क में, और रिया जो है अपनी पढ़ाई कर रही है, राइटिंग, हाँ इसकी राइटिंग बुक है इसकी, एक्स्ट्रा स्कूल से है या कैसे? अच्छा, इसको मिली थी ये ट्यूशन क्लास जब करती थी वहाँ से मिली थी, तो अभी जो है राइटिंग बुक का काम कर रही है। वैसे हो गया स्कूल का होमवर्क? आया तो है, तो मैं बता दूँ कर लेना। तो हर्ष और नमन ने तो आते ही कर लिया था, रिया का जो है होमवर्क बचा है, तो मैं अभी इसका होमवर्क भी कराना है, क्योंकि मोबाइल में आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है, वैसे इनसे नोट भी करवाते हैं डायरी में, तो हो सकता है शायद इसने किया नहीं है नोट, तो मैं मोबाइल से देखकर इसको बता दूँगी, तो ये अपना होमवर्क कर लेगी, और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बना पाई, अभी शुरुआत की है, और तो बस लग जाते हैं अपने काम में। सबसे पहले मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े उतारने के लिए, और आज दिन में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो वैसे तो सारे कपड़े सूख गए हैं, पर जो पैंट वगैरह होती है जीन्स की, वो थोड़ी सी ऊपर से नहीं सूखी है, हल्की सी गीली है, तो जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं उतार कर ले आती हूँ, क्योंकि फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और ये स्टैंड है इसको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं बालकनी में, तो उनके लिए थोड़ी सी जगह हो जाएगी, और वैसे भी बच्चों का कोई पता नहीं होता, पता चला कि लटक कर तोड़ ही दिया, क्योंकि झूलने लगते हैं बच्चों को, इतना नहीं पता होता, सोचते हैं कि इस पर लटक कर झूल लो, तो इसलिए मैं इसको कपड़े सुखाने के बाद फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अभी मैं सारे कपड़े ले आई हूँ, और दोनों बालकनी भरी हुई थी कपड़ों की, डेली धोते हैं फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो बस मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं प्रेस सुबह करूँगी, आज नहीं करूँगी, फिर क्या है अगले दिन भी वही हो जाता है, पहले सुबह के काम हो जाते हैं, तो फिर दोपहर में थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। और ये देखिए बाहर का व्यू देख लीजिए, हवा चल रही है बहुत अच्छी, और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, इस टाइम बहुत रौनक रहती है नीचे, सब बच्चे नीचे आकर खेलते हैं, ये देखिए पार्क में। ये देखिए, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बालकनी में। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, और हवा अच्छी चल रही थी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं थोड़ी देर यहीं बैठ गई, और फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए,
तो कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठी, क्योंकि बालकनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, मुझे अच्छा लगा। तो 5 मिनट वहाँ बैठी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कपड़े रखे हैं प्रेस करने के, तो वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं दाल चावल, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले मैं सोच रही थी कि कल करूँगी, अगले दिन भी क्या हो जाता है, सुबह पहले सुबह के काम होते हैं वो ख़त्म करते हैं, फिर दिन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो वही शाम ही हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा शाम तक ही करना है, तो क्यों ना अभी कर लेती हूँ। और अभी वैसे मैंने माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की है, तो सच में आज बहुत अच्छा लगा है, मन हल्का हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। और मुझे ये लग रहा था आज, जैसे होता है ना कई बार, तो होता है कि जो काम हम करते हैं जरूरी जरूरी से वही करके ख़त्म कर देते हैं, और कई बार होता है कि एक के बाद एक काम करते चले जाते हैं, और जैसे ये लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो वही मेरे साथ हो रहा था। पूजा करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो बस मैं जब से काम में लगी हुई थी कभी कुछ, तो फिर मैंने सोचा चलो प्रेस का भी काम करके ख़त्म करती हूँ। और जो ये यहाँ पर भी बच्चे मेरे साथ बातें कर रहे थे, नमन बोल रहा था कि मम्मी कल स्कूल जाना है, और मैम ने बोला था कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी आना है, और बच्चे और दो मम्मी पापा दोनों नहीं गए तो मैम पिटाई करेगी। तो नमन को ये है कि बस मम्मी पापा के साथ कल स्कूल जाऊंगा। और हर्ष और रिया बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी प्रेस करो, क्योंकि उनको टीवी देखना था, और जो ये बोर्ड होता है वो मेरे पास था, तो मैं बस जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी बहुत लंबी तार है, और ये मुझे लगाना पड़ता है, टीवी के लिए यूज करना होता है मुझे इसका, तो बहुत लंबी तार है, तो इसकी तार मैंने फोल्ड करके ऐसे डिब्बे में डाल दी है, ये दोनों तरफ से खुला रहता है डिब्बा, तो इसमें डाल दी है मैंने, तो अब इसकी तार नीचे नहीं लटकेगी। और क्योंकि जो टीवी चलाते हैं हम, वहाँ पर वाईफाई का भी कनेक्शन वहीं पर लगा है, और जो है टीवी का भी, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए इसे तार छोटी हो जाती है, नहीं तो बहुत बुरी लगती है, लंबी तार लटकी रहती है। तो अभी मैं प्रेस करने के लिए लेकर आई थी इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, नहीं तो पहले मैं बेड पर करती थी, लेकिन वहाँ से पूरी लाइट में शॉर्ट हो जाता था, तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बोर्ड है जो बेड के पास है, क्यों उस पर हम छोटी चीज़ चला सकते हैं केवल, जो छोटी छोटी होती है, और जो प्रेस वगैरह होती है वो जो ये बोर्ड होते हैं बड़े वाले, इन पर चलानी होती है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी प्रेस हो गई है, मैं बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि बच्चों को देखना है टीवी, अभी बोल रहे थे कि मम्मी हमें टीवी देखना है। तो अभी हर्ष आप लोगों से बात करेगा, क्योंकि बोल रहा था मम्मी मुझे भी बोलना है, तो बोलिए क्या बोलना है। मेरे पास ये मैगनेट, इससे मैं खेलता हूँ, बहुत अच्छा आता है, अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। ये अलग हो गया, इसके पास ये मैग्नेट है, मैग्नेट दिखाने के लिए आया था, ये खेलता है इसके साथ, तो वही बोल रहा है अभी पार्क से खेल के आया, पार्क में मन लगा। हाँ, अभी पार्क से आया है खेल के, अभी मैग्नेट से खेल रहा है, और कल स्कूल जाएगा। और नमन अभी बता रहा था कि मम्मी कल पूरी फैमिली को स्कूल जाना है, मैम ने बोला है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, तो कल पूरी फैमिली को स्कूल जाना है। ए नमन, स्कूल जाएगा पर घर जाना है खुद सारे, पर नहीं है। तो अगर पापा चले जाएंगे? नहीं, मैम ने कहा कि जो बच्चे नहीं आए मारेंगी मैम। मारेंगी? तो नमन बोल रहा है अगर बच्चे और मम्मी पापा नहीं गए तो मैम पिटाई करेगी। मैम ने ऐसा बोला है? हा? क्या कि अगर पिटाई करूंगी अगर नहीं आए तो? हा? अच्छा। और ये देखिए, प्रेस करने से पहले मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए, और रिया को बोल दिया था मैंने कहा 3 सीटी आने पर गैस बंद कर देना, क्योंकि मैं प्रेस कर रही थी अंदर रूम में। तो यहाँ पर दाल तो बन गई है, बस अभी मैं बनाऊंगी चावल, तो हमारा आज का डिनर होगा दाल चावल।